एक तरफ जहां हमारा देश अंतरिक्ष में एक से बढ़कर एक कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का मान बढ़ा रहा है, तो वहीं मासूमों के साथ बढ़ती दुष्कर्म की घटनाएं देश को शर्मसार करती हैं। इस जघन्य अपराध पर रोक लगाने के लिए साल 2012 में पॉक्सो एक्ट यानी कि द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस लाया गया, जिसके तहत अपराधियों को सख्त से सख्त सजा देने के लिए 7 साल की सजा से लेकर उम्र कैद तक का प्रावधान रखा गया। लेकिन फिर भी मासूमों को अपनी हैवानियत का शिकार बनाने वाले लोगों की मानसिकता पर फुल स्टॉप नहीं लगा। ऐसे में अपराधियों के दिल और दिमाग में कानून का डर बैठाने के लिए और बच्चियों के साथ बढ़ती गलत हरकतों को रोकने के लिए मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। संसद में चल रहे शीतकालीन सत्र में देश के कानून मंत्री ने पॉक्सो एक्ट में बड़ा बदलाव किया है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पॉक्सो एक्ट के तहत मृत्यु दंड को हरी झंडी दे दी है। इस एक्ट में बड़ा संशोधन करते हुए 12 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ दुष्कर्म और हत्या जैसे गंभीर अपराधों में दोषी की सजा बढ़ाकर सजाए मौत का प्रावधान जोड़ दिया गया है। तो वहीं 16 साल से कम उम्र की लड़की से रेप करने पर न्यूनतम सजा 10 साल से बढ़ाकर 20 साल कर दी गई है।